जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राजेश श्रीवास्तव ने शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ईस्ट जोन इंटर स्टेट जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता का आयोजन 8 सितंबर से 11 सितंबर तक लेविस एकेडमी बैडमिंटन हॉल धर्मपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव खेलकूद नौनीत सहगल करेंगे तथा समापन समारोह के मुख्य अतिथि यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन विराज सागर दास होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 6 सालों के बाद मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो मुख्यमंत्री के गृह जनपद में आयोजित हो रहा है। ईस्ट जोन के प्रत्येक प्रदेश के चुने हुए 150 पुरुष व महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की टीमें भाग लेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राजेश श्रीवास्तव ने कहा, राजीव श्रीवास्तव हूँ, सेक्रेटरी हूँ गोरखपुर बैडमिंटन। ये प्रेस वार्ता हो रही है। ये गोरखपुर में ईस्ट जोन इंटर स्टेट बैडमिंटन प्रतियोगिता होने जा रही है। शायद गोरखपुर में 20-25 सालों में इतनी बड़ी प्रतियोगिता अभी तक नहीं आयोजित की गई है। और इस प्रतियोगिता में जो है 6 स्टेट, यूपी, उत्तरांचल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल, उनके जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें टीम स्पर्धा भी होने जा रही है, व्यक्तिगत स्पर्धा भी। ये गेम जो है भारतीय बैडमिंटन संघ के देख रेख में और तत्वाधान में हो रहा है। हमारे स्पॉन्सर में भी है भारतीय बैडमिंटन संघ। और मतलब 3 दिनों पहले 2 दिन जो है टीम इवेंट होगा और दूसरे 2 दिन व्यक्तिगत स्पर्धा। कितने खिलाड़ियों की? लगभग 150 खिलाड़ी को जिनके रुकने और खाने की सबकी व्यवस्था पूरी, मतलब सुबह नाश्ते से लेकर के पूरा टाइम खाना पीना सब। किस जगह पे होगा? ये स्थानीय लेविस बैडमिंटन एकेडमी धर्मपुर में आयोजित होगा और उसमें ही होगा। ये तारीख 8 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक के बीच में आयोजित होगा। 8 सितंबर को नवनीत सहगल जी जो प्रमुख सचिव हैं वो उसका उद्घाटन करेंगे और 11 तारीख को विराज सागर दास जो कि BBD ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, हमारे यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, वो पुरस्कार देंगे।